समय उद्यमी बिहार 2014 प्रेजेंटेड बाय टेक्नोकल्चर बिल्डिंग सॉल्यूशन। वास्तु विहार, एक विश्व स्तरीय टाउनशिप, अब आपके घर का सपना भी हो सकता है साकार। है ना अपना वास्तु विहार। पावर्ड बाय गुजरात ग्रोमेड। गुजरात ग्रोमेड, अ ब्रांड लीडर प्रोडक्ट। ग्रोमेड एड विटामिन बेबी ऑयल एंड सो। एसोसिएट स्पॉन्सर डॉक्टर जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूशन एंड IIBM पटना। पढ़ो वोकेशनल, बनो प्रोफेशनल। शेरा फिटलाइन जिम वेस्ट, दीवाना बना दे। आपके निवेश सलाहकार हर पल आपके साथ, आम्रपाली आद्या ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। साइकोग्राफिक सोसाइटी, अविकास कुमार इनिशिएटिव रांची। टॉप डेस्टिनेशन फॉर करियर, पर्सनल एंड पेरेंट काउंसलिंग। सपोर्टेड बाय NSIC, इंडस्ट्री पार्टनर BSE SME, प्रिंट पार्टनर राष्ट्रीय सहारा, इंटरनेशनल टेलीकास्ट पार्टनर आलमी समय, माइडिया 100 इनिशिएटिव। सजने लगी है शाम, आने लगे हैं वो मेहमान जो आज की शाम के रौनक हैं, वो भी जो बिहार के सरपरस्त हैं, वो भी जो बिहार की कामयाबी के निगहबान हैं। ये शाम आज रंगों में डूब जाएगी, उन चेहरों पर मुस्कुराहट ले आएगी जो सपने देखने और उसे पूरा करने का हुनर जानते हैं। ये शाम है उन लघु, मझोले और छोटे उद्यमियों के नाम जो बिहार की कामयाबी में आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जिन पर बिहार को नाज है और समय को भी। नमस्कार, मैं हूं संतोष तिवारी। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। वास्तु विहार प्रेजेंट समय उद्यमी बिहार 2014 पावर्ड बाय गुजरात गवर्नमेंट अवार्ड्स में आप सभी का स्वागत है। लीजिए, आगाज हो गया समय उद्यमी 2014 अवार्ड्स का, जो पहले झारखंड जाकर वहां के कारोबारियों की हौसला अफजाई कराया है, फिर उत्तर प्रदेश पहुंचकर वहां के उद्यमियों के सिर पर ताज सजा आया है, और जो अब बिहार आया है सूबे की तरक्की में दिन रात जुटे मेहनतकश कारोबारियों को उनकी जीत की बधाई देने। आइए अंधकार से प्रकाश की तरफ चलें, और दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी को। दीप जले और रोशनी हो, ये अंधेरे को मिटाने की रोशनी है, ये राह दिखाने की रोशनी है। 3,60,00,000 के आसपास देश भर में MSME यूनिट्स और 90% इनमें से रजिस्टर्ड नहीं है। असल में स्थितियां हर एक गुजरते दिन के साथ बेहतर हो रही हैं, लेकिन अगर आप पड़ोसी राज्यों के साथ कंपेयर करें तो अभी बहुत कुछ किया जाना है। लेकिन पहल हो चुकी है और इसका आगाज कम सुनहरा नहीं। समय उद्यमी इस मुहिम के जरिए बड़े सपने की चाहत लिए आगे बढ़ने वालों और सपना पूरा करने वालों से प्रेरणा ले रहा है और उनकी कहानियों को दुनिया तक पहुंचा रहा है। वो ख्वाब बड़े नहीं जिन पर दुनिया हंसे नहीं, और ये ख्वाब जब हकीकत में बदलते हैं तो यही हंसने वाली दुनिया सलाम करती है। अपने ख्वाब को मुकम्मल तस्वीर बनाने में जुटे लोग मिसाल बन जाते हैं, इनके कदमों के निशान बाकियों को मंजिल का पता दे जाते हैं। दुनिया भर को भारत की संस्कृति, सभ्यता और ज्ञान के आगे झुकाने वाले स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक कोशिश करते रहो जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। और लक्ष्य हासिल करने के लिए सिर्फ प्रेरणा की जरूरत नहीं, अपने भीतर आत्मविश्वास की जरूरत होती है।
ऐसी ही सोच के साथ इंसान आगे बढ़ता है, अपने सपने को सच करने का संकल्प लेता है, मजबूत इरादों के साथ वो तमाम चुनौतियों का डटकर मुकाबला करता है और आखिरकार कामयाबी उसके कदम चूमने लगती है। देखते ही देखते वो बन जाता है एक सफल उद्यमी। देश में 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाले, देश की जीडीपी में 8, एक्सपोर्ट में 40 और इंडस्ट्रियल आउटपुट में 45% का योगदान करने वाले, देश के 3,60,00,000 एमएसएमई यूनिट्स को उनकी मंजिल तक पहुंचने में मदद देने के लिए समय नेटवर्क ने एक पहल की। देश के अग्रणी रीजनल न्यूज नेटवर्क समय ने शुरुआत की देश के सबसे बड़े रीजनल एमएसएमई अवार्ड्स की, समय उद्यमी अमाइडिया 100 इनिशिएटिव। इन अवार्ड्स के साथ जुड़ा है एक मिशन, देश का अग्रणी रीजनल समय न्यूज नेटवर्क देश के सबसे बड़े रीजनल एमएसएमई अवार्ड्स के जरिए अपने अपने क्षेत्र में कामयाब एमएसएमई को एक बड़ा मंच दे रहा है। इसकी शुरुआत हुई 9 फरवरी 2014 को झारखंड से, जहां मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में प्रदेश के एमएसएमई उद्यमियों को प्रोत्साहित किया गया। देश के एमएसएमई सेक्टर ने समय नेटवर्क के इस प्रयास को खुले दिल से सराहा। समय सहारा ने इसको बढ़कर इसमें हिस्सा लिया, ये बहुत खुशी की बात है, इसमें हमारी सोच को और बल मिलेगा। इस कारवां का अगला पड़ाव बना उत्तर प्रदेश, जहां 29 फरवरी 2014 को राजधानी लखनऊ में प्रदेश के कामयाब एमएसएमई कारोबारी जुटे। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने समय उद्यमी उत्तर प्रदेश की जूरी की तरफ से चुने गए विजेताओं को अवार्ड दिए। मैं इस मौके पर सारा समय को बधाई देना चाहता हूं। देश के सबसे बड़े रीजनल एमएसएमई अवार्ड्स समय उद्यमी का कारवां अपनी तीसरी कड़ी में, वास्तु विहार प्रेजेंट समय उद्यमी बिहार 2014 पावर्ड बाय गुजरात ग्रोमेड अवार्ड्स तक आ पहुंचा है। प्राकृतिक संपदाओं से भरी बिहार की उपजाऊ जमीन में मौजूदा वक्त में तकरीबन 2,00,000 से ज्यादा एमएसएमई उद्यमी हैं, जो कृषि, डेयरी, हैंडलूम, लेदर, फिशरीज के साथ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इनके नेतृत्व में चलने वाले उद्यमों से 28,00,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। ये उद्यमी बिहार की शान है और विकास के पथ पर अग्रसर बिहार उनकी पहचान। इस विकास में अपनी सूझबूझ और लगन से पूरा योगदान करने वाले उद्यमियों की पहचान करके उन्हें सम्मानित करने के लिए समय उद्यमी प्रतिबद्ध है, ताकि बिहार के एमएसएमई अपनी अगली ऊंची उड़ान के लिए तैयार हो सकें। इन अवार्ड के लिए एमएसएमई सेक्टर को लगातार आगे बढ़ाने के लिए काम करने वाले देश के सबसे बड़े नाम उस जूरी का हिस्सा बने, जिन्होंने आखिरकार चुना कि वो लोग कौन होंगे जिनके सिर पर आज की शाम ये ताज सजने वाला है। आइए आप सभी को मिलवाते हैं अपनी जूरी टीम। वास्तु विहार प्रेजेंट समय उद्यमी बिहार 2014 पावर्ड बाय गुजरात ग्रोमेड अवार्ड्स के लिए हमारी जूरी टीम ने बिहार के एमएसएमई उद्यमियों की पहचान की। इस जूरी में देश के उद्योग और अर्थ जगत से जुड़ी जानी मानी हस्तियां शामिल हैं। इस जूरी के चेयरपर्सन हैं एनएसआईसी के सीएमडी डॉक्टर एचपी कुमार, जिनका खासतौर पर एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने में बहुत अहम योगदान रहा है। डॉक्टर कुमार कई पब्लिक सेक्टर कंपनियों में बतौर सीईओ और कॉरपोरेट हेड के पद पर काम कर चुके हैं। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका की सरकार में नेशनल स्मॉल बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य भी रह चुके हैं। नौकरी.com के फाउंडर और वाइस चेयरमैन संजीव बीक चंदानी कॉरपोरेट दुनिया का एक और बड़ा नाम है। संजीव बीक चंदानी ने दुनिया को सिखाया कि कैसे इंटरनेट पर बिजनेस को बड़ा किया जा सकता है। आप पहले ऐसे उद्योगपति हैं जिनकी इंटरनेट कंपनी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है। इस जूरी के दूसरे महत्वपूर्ण सदस्य हैं बीएससी एसएमई के हेड अजय ठाकुर। 2 दशक से भारत के पूंजी बाजार में सक्रिय अजय एसएचसीआई बीएससी जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं में अहम पदों पर रह चुके हैं। श्री अजय ठाकुर ने 13 मार्च 2012 को बीएससी में एसएमई प्लेटफॉर्म को न सिर्फ लॉन्च किया और इसी के साथ बीएससी पहली संस्था हो गई जिसने इस तरह के प्लेटफॉर्म की शुरुआत की हो। महज एक साल में इस प्लेटफॉर्म से 63 कंपनियों को जोड़ने का श्रेय भी उन्हें जाता है। इस जूरी की एक और बड़ी शख्सियत है राजीव चावला। आप ऑटो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल और व्हाइट गुड्स बनाने वाले जयराज ग्रुप और यूनिक मोल्डिंग के चेयरमैन हैं। आप देश भर में एमएसएमई उद्यमियों का सहयोग और मार्ग प्रशस्त करने वाली संस्था इंटीग्रेटेड एसोसिएशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, साथ ही एनएसआईसी के बोर्ड में डायरेक्टर भी। श्री चावला को इस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2009 में महामहिम राष्ट्रपति ने बीवाईएसटी जेआरडी टाटा अवार्ड दिया। आईआईएम लखनऊ के डायरेक्टर डॉक्टर देवी सिंह भी हमारी जूरी टीम में शामिल हैं।
इंटरनेशनल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखने वाले डॉक्टर देवी सिंह देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों में भी डायरेक्टर के पद पर रह चुके हैं। नई पीढ़ी को बिजनेस का गुरुमंत्र देने वाले देवी सिंह देश के आर्थिक विकास से जुड़ी कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के बोर्ड मेंबर भी रह चुके हैं। वास्तु विहार प्रेजेंट समय उद्यमी बिहार 2014 पावर्ड बाय गुजरात ग्रोमेड अवार्ड्स के अगले अहम सदस्य हैं सहारा न्यूज नेटवर्क के यंग एंड एनर्जेटिक चीफ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर श्री वरुण दास। एवरी कॉर्नर यू लुक एट दिस कंट्री देयर इज एक्सीलेंस, देयर इज ब्रिलियंस एंड आई थिंक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ न्यूज नेटवर्क इज टू ब्रिंग दोज ब्रिलियंस इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी एंड दैट्स द रीजन वी थॉट दैट वी वुड चूज दिस टाइम टू रिकॉग्नाइज एंड ऑनर those who are silently contributing to the growth of this country and this state. Varun Das desh ke kisi bhi bade news network mein sabse kam umr ke CEO bane. Varun India Today, Anand Bazar Patrika Group aur Zee News Network jaisi kai badi media companies mein behad mahatvapurna padon par reh chuke hain. IIT Madras se BTech aur IIM Calcutta se management ke sabak seekhne wale Varun London School of Economics ke alumnus reh chuke hain. इस जूरी की अगली बेहद अहम शख्सियत हैं बिहार झारखंड के नंबर वन चैनल समय बिहार झारखंड के एडिटर प्रबुद्ध राज बेहद सुलझे और वरिष्ठ पत्रकार प्रबुद्ध राज के नेतृत्व में समय बिहार झारखंड चैनल लगातार नंबर वन बना हुआ है। प्रबुद्ध राज को प्रिंट और टीवी में काम करने का 16 साल का अनुभव है। टाइम्स ऑफ इंडिया से अपने करियर की शुरुआत करने वाले प्रबुद्ध कई और महत्वपूर्ण टीवी न्यूज चैनल्स में बतौर एडिटर काम कर चुके हैं। और अब आगे बढ़ते हुए हम उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी से निवेदन करेंगे कि वो कृपया मंच पर आएं और एमएसएमई सेक्टर पर अपने नजरिए से हमको अवगत कराएं। प्लीज सर। भारत सरकार ने 2011 में एक नीति बनाई है न्यू मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, जिसमें सरकार ने यह लक्ष्य निर्धारित किया था कि 2025 तक अभी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान 16% इसको बढ़ाकर 25% तक ले जाया जाए और विशेष करके अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के योगदान को अगर बढ़ाना है उसको काफी महत्व देना पड़ेगा कि उद्योग और व्यापार करने का जो माहौल होना चाहिए देश के अंदर उसमें काफी सुधार की आवश्यकता है। बिहार जैसे गरीब और पिछड़े राज्य में जो एमएसएमई सेक्टर है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है और एमएसएमई का मतलब केवल उद्योग नहीं है, जो सर्विस सेक्टर भी जो है एमएसएमई सेक्टर में करीब 60% सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और इसीलिए आज के इस अवसर पर मैं सहारा समय के तमाम लोगों को इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए और विशेष करके एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहित करने का इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने जो पहल की है उसका मैं अपनी ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और इसी के साथ शुरू हो गया अवार्ड्स का सिलसिला। वास्तु विहार प्रेजेंट समय उद्यमी बिहार 2014 पावर्ड बाय गुजरात गवर्नमेंट अवार्ड्स की पहली कैटेगरी बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी माइक्रो। जी तो आइए अब वास्तु विहार प्रेजेंट समय उद्यमी बिहार 2014 पावर्ड बाय गुजरात गवर्नमेंट अवार्ड्स की अगली कैटेगरी की तरफ बढ़ें जो कि है बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनी मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल। बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनी मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल कैटेगरी में नीलम कौर बिहार सिलेंडर। अगली कैटेगरी बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनी मैन्युफैक्चरिंग मीडियम। मैन्युफैक्चरिंग मीडियम में जीवन कुमार बालाजी इंटरप्राइजेस। अवार्ड्स में अगली कैटेगरी है बेस्ट प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर की। बेस्ट प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर आलोक कुमार इंडस्ट्रीज। वास्तु विहार प्रेजेंट समय उद्यमी बिहार 2014 पावर्ड बाय गुजरात ग्रोमेड अवार्ड्स की अगली कैटेगरी है बेस्ट यंग स्टार्टअप। बेस्ट यंग स्टार्टअप प्रभात कुमार सिन्हा एस्ट्रिक सॉल्यूशंस। बिहार की राजधानी पटना में समय उद्यमी के
इस सफर में कई और पड़ाव हैं। पड़ाव बिहार की संस्कृति, सभ्यता और पहचान का, पड़ाव बिहार के एमएसएमई सेक्टर के उत्थान का, और पड़ाव कुछ खास अवार्ड्स का। वास्तु विहार प्रेजेंट समय उद्यमी बिहार 2014 पावर्ड बाय गुजरात ग्रोमेट अवार्ड्स में यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं। सीमेंट, सुपर स्ट्रॉन्ग सीमेंट। हम आम आदमी के लिए सोचते हैं, हम आपके लिए सपने देखते हैं। इसी विजन ने वास्तु विहार को भीड़ से अलग किया। इसी सोच ने हमें पूर्वी भारत की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी होने का गौरव दिया है। इसलिए आज हम आपके कंच के हार हैं, हम वास्तु विहार। ग्रोमेड एडी विटामिन बेबी ऑयल एंड बेबी सो, आपके बच्चों की संपूर्ण शारीरिक विकास के लिए। खरीदने के पहले ग्रोमेड देकर ही खरीदें, नकारों से सावधान। डॉक्टर, मेरे बच्चे को दस्त। मुक्की, यहाँ एक देने से नहीं दो देने से होगा। एक जो करे बच्चे में पानी की कमी पूरी, और दो जो बच्चे को जल्दी ठीक करे और दे दस्त से लड़ने की ताकत। तो अब जब भी हो बच्चा दस्त से बीमार, तो स्काई सेंटर या किसी भी नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक नहीं दो से करें बच्चे का उपचार। अब से मैं भी दो ही दूंगा। ग्रोमेड का स्टोमा क्योर, जो गैस, कब्ज, हाइपर एसिडिटी, डायरिया, छाती में जलन एवं पेट की अन्य तकलीफें पूरी तरह से दूर करता है। हम आम आदमी के लिए सोचते हैं, हम आपके लिए सपने देखते हैं। इसी विजन ने वास्तु विहार को भीड़ से अलग किया। इसी सोच ने हमें पूर्वी भारत की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी होने का गौरव दिया है। इसलिए आज हम आपके कंच के हार हैं, हम वास्तु विहार। आपकी ये वुडन फ्लोरिंग सिर्फ दिखती अच्छी है या कुछ खूबियां भी हैं? ये है स्क्रैच रेजिस्टेंट, वाटर और स्टेन रेजिस्टेंट, टर्माइट रेजिस्टेंट, और है इजी टू मेंटेन, चलती भी लंबी है। यानी मुझे भी इससे प्यार कर लेना चाहिए। एक्शन टेसा लैमिनेट वुडन फ्लोरिंग विद जर्मन टेक्नोलॉजी, गेट रेडी टू बी फ्लोर। हम आम आदमी के लिए सोचते हैं, हम आपके लिए सपने देखते हैं। इसी विजन ने वास्तु विहार को भीड़ से अलग किया। इसी सोच ने हमें पूर्वी भारत की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी होने का गौरव दिया है। इसलिए आज हम आपके कंच के हार हैं, हम वास्तु विहार। ग्रोमेड एडी विटामिन बेबी ऑयल एंड बेबी सो, आपके बच्चों की संपूर्ण शारीरिक विकास के लिए। खरीदने के पहले ग्रोमेड देकर ही खरीदें, नकारों से सावधान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं बिहार की स्थिति। बिहार जिसे तमाम वजहों से न सिर्फ देश का बल्कि दुनिया का भी कई मायनों में पथ प्रदर्शक कहा गया। बिहार की वो खूबियां जो इसे खास बनाती हैं, और फिर इसके संदर्भ में हम झांकने की कोशिश करेंगे इसी खिड़की से इसके एमएसएमई सेक्टर पर भी। गौरव, वैभव, ज्ञान, धर्म और अध्यात्म, दुनिया के किसी भी देश में कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जिसने एक साथ इतने क्षेत्रों में अपना महत्व साबित किया हो। लेकिन अपना बिहार वो राज्य है जहाँ सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा जन्मी, पनपी और अपने शिखर तक पहुँची। बिहार ने दुनिया को धर्म सिखाया, ज्ञान सिखाया, अर्थशास्त्र सिखाया, राजनीति सिखाई, कूटनीति सिखाई, धुन, ताल और लय की बारीकियां भी सिखाई। ना 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 ना
के स्वर्ण काल और मौजूदा दौर तक बिहार अपनी खास पहचान बनाकर चला है। ये पहचान उतनी ही पुरानी है जितना कि देश का इतिहास। बुद्ध के ज्ञान, मौर्यों की शौर्य और गुप्त सम्राटों की दूर दृष्टि से इस राज्य की कीर्ति हर तरफ फैली। नालंदा और विक्रमशिला विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में जाने जाते हैं, जहां दुनिया भर से छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। हजारों साल से भी ज्यादा समय तक मगध देश की राजनीति और संस्कृति का केंद्र बिंदु बना रहा। सिख धर्म के आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भी बिहार में ही हुआ। मौर्य युग में चाणक्य की नीति, अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी का पहला असहयोग नील आंदोलन, आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का गौरव, आजादी के बाद सत्ता के खिलाफ 72 साल के जयप्रकाश नारायण की क्रांति। इस बिहार में सब कुछ छिपा है, इस बिहार ने सबको सिखाया है। ज्ञान, विज्ञान और कला के साथ बिहार ने देश को अर्थशास्त्र का सूत्र तो दिया ही। बिहार के ही शासक शेरशाह सूरी ने पहली बार कस्टम ड्यूटी से देश को परिचित कराया। मधुबनी पेंटिंग से लेकर रेशमी शहर भागलपुर के हैंडलूम यानी हथकरघा उद्योग का जादू आज भी बरकरार है। बिहार के पटरकट्टी गांव की खूबसूरत मूर्तियों की दुनिया भर में डिमांड है। पटना के कलम चित्र दुनिया के बेहतरीन म्यूजियम्स की शान बढ़ा रहे हैं। लोक कलाओं, किंवदंतियों और अपनी मिट्टी से जुड़े उद्योगों के संग बिहार लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है और एक बेहतर भविष्य में अपनी अगली ऊंची उड़ान के लिए तैयार है। समय उद्यमी बिहार 2014 में अगले अवार्ड की ओर बढ़े, उससे पहले एक रिपोर्ट जो ये बताती है कि बिहार में एमएसएमई सेक्टर की दशा क्या है और राज्य में आगे इस सेक्टर की दिशा क्या होगी। जी, वो आधिकारिक रिपोर्ट, वो ऑफिशियल रिपोर्ट जो एनएसआईसी ने खासतौर पर बिहार के एमएसएमई के लिए तैयार की है, और यह सुखद संयोग बन गया है कि एनएसआईसी की इस रिपोर्ट को समय न्यूज नेटवर्क और माइडिया 100 कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के मंच पर एक बार फिर लोकार्पित किया जाएगा। तो इस मौके पर एनएसआईसी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर एचपी कुमार साहब से अनुरोध कि वो कृपया मंच पर आएं, और साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध कि कृपया वो भी मंच पर आएं। एचपी कुमार साहब की इस रिपोर्ट को जो उन्होंने काफी मेहनत से तैयार की है उसे अनवील करें। मैं बिहार के बारे में जब अध्ययन कर रहा था इस प्रोग्राम के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए, तो मुझे खुशी हुई है जान के कि बिहार में सब तरह के संसाधन उपलब्ध हैं। मैंने देखा कि यहाँ का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बहुत कम है, 30% है। यहाँ केवल 5% लघु उद्योग, केवल 5% बैंकों से एक्सपोज्ड है। एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत अधिक आगे काम करने की आवश्यकता है। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स हैं उनको रिवैम्प करने की आवश्यकता है। मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी के लिए भी नए सेंटर्स खोलने की आवश्यकता है। मैंने ये सारी डिटेल्स जो जो आगे क्या कार्य हो सकते हैं, जो हम बाकी जगह सफलतापूर्वक कर रहे हैं, उन सबका वर्णन इस रिपोर्ट में किया है। बिहार सत्ता का शीर्ष रहा है, बिहार राजनीति का केंद्र रहा है, लेकिन अब बिहार विकास की ओर बढ़ रहा है, उद्योगों को पहचान रहा है, उद्यमियों को मौके दे रहा है, ताकि गौरवशाली अतीत की तरह बिहार का भविष्य भी वैभवशाली हो। बिहार के जिन उद्यमियों को, जिन शख्सियतों को आज समय उद्यमी सम्मानित कर रहा है, वो इसी सपने को सच बनाने में जुटे हैं। वास्तु विहार प्रेजेंट समय उद्यमी बिहार 2014 पावर्ड बाय गुजरात गवर्नमेंट अवार्ड्स में महिला सशक्तिकरण की झलक भी आपको देखने को मिलेगी। आइए देखें अगला विजेता बेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर कौन है। एंटरप्रेन्योर में आते हैं सरिता जैन। और अब चलते हैं वास्तु विहार प्रेजेंट समय उद्यमी बिहार 2014 पावर्ड बाय गुजरात गवर्नमेंट अवार्ड्स के अगले चरण की तरफ, जो है एडिटर्स पिक बेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर का अवार्ड।
स्पेशल कंट्रीब्यूशन टू वुमेन पुष्पा चोपड़ा। जी तो अब अगली कैटेगरी है नंबर वन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फॉर एमएसएमई सेक्टर। नंबर वन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, हाँ ओनिक्रा। और जूरी सेक्शन का अगला अवार्ड नंबर वन पब्लिक सेक्टर बैंक सर्विंग द एमएसएमई सेक्टर का है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो हम अब बढ़ रहे हैं पॉलिसी इंप्लीमेंटर फॉर एमएसएमई, बेस्ट पॉलिसी इंप्लीमेंटर। आइए देखें कौन सा खुशनसीब ऑफिसर है। बेस्ट पॉलिसी मेकर प्रत्यय अमृत, आईएएस। समय उद्यमी बिहार 2014 के ये विजेता बिहार के आगे बढ़ने की कहानी बयां कर रहे हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए जरूरी है सही दिशा की, सही दिशा निर्देशों की। हमारे यहाँ एक विनती चलती रही है कि उत्तम खेती मध्यम बान नीच चाकरी भीख निदान। मध्यम और लघु उद्योग को अगर हम नए सिरे से ले चलें, उसको प्रोत्साहित करें, तो हम समझते हैं कि हमारे सामान्य जो अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है उससे हम निजात पा सकते हैं। और इस दृष्टिकोण से इसकी महत्ता को देखते हुए समय सहारा द्वारा जो ये प्रयास हो रहा है इसका मैं कदर करता हूं, इसको मैं सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। सिंगल विंडो सिस्टम की बात आपने कही, हम भी समझते हैं वो मौजूद है और हमारे एंटरप्रेन्योर को कोई बाधा नहीं हो, अनेक टेबल पर नहीं जाना पड़े, उसके लिए विशेष दौड़ना नहीं पड़े, ये देखना हमारा फर्ज है। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि आगे आने वाले दिन में वो जो भी समस्या उनके सामने आएगी तो हर तरह से, जिसको कह सकते हैं हम कि जिस तरह से फैसिलिटेट करने की आवश्यकता होगी हम फैसिलिटेट करके उनको आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे, ये बिहार सरकार की ओर से आपको आश्वासन देना चाहते हैं। खुशियों का ये पल आए हैं मिलीजुली मेहनत से। बिहार के एमएसएमई उद्यमियों को उनकी मेहनत का इनाम मिला है, लेकिन ये आगाज है। समय उद्यमी हर साल आएगा। उत्तर भारत के 7 राज्यों में समय के साथ आगे बढ़ते उद्यमियों को सम्मानित करने के लिए